क्लास फॉर वॉल ऑफ योर फाइन एंड सेव क्लास. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग. डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्शन के मेथड पढ़ लिए, डेटा के टाइप्स पढ़ लिए, फिर हमने देखा कि उस डेटा को हमने जो कलेक्ट किया है उसको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी अप्लाई कर सकती हैं, किस किस तरह की उस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं. अब आफ्टर डैट हमने क्या करना है, जो हमने जो भी फाइंडिंग्स हमारी आई हैं हमने उसको इंटरप्रिटेशन करनी है उसकी, और एक उससे जो रिलेटेड है एक रिपोर्ट राइट करनी है जो आपकी पूरी रिसर्च की का निचोड़ होगी. इसमें आपने जो आपने रिसर्च की है उसका जो पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, जिसमें आपने सारी बातें जो फाइंडिंग्स रिजल्ट्स हैं वो सब कुछ आपने पेश करना है. क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं. इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क. इंटरप्रिटेशन करते हुए हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, हमें बहुत ही केयरफुली इसको करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इंटरप्रिटेशन सही नहीं करेंगे तो वो हमें मिसलीड करेगी, हमारे कंक्लूजन गलत आएंगे, जिससे फर्दर रिसर्च जो उससे आगे जो फर्दर रिसर्च हो रही है उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा. इसलिए इंटरप्रिटेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और इसको हम जस्ट वन टाइम नहीं करते, सेवरल टाइम इसको हम करते हैं, और फाइनली जो परफेक्ट जो रिजल्ट्स आते हैं, जो सही रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम एक रिपोर्ट की सूरत में पेश करते हैं. इंटरप्रिटेशन करते हुए क्या है इंटरप्रिटेशन, की मीनिंग क्या है हम देखें. द टास्क ऑफ ड्राइंग इंफरेंस फ्रॉम द कलेक्टेड फैक्ट्स आफ्टर एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी. हमने चाहे स्टडी हमारी एनालिटिकल हो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, हमने क्या किया उसके बारे में कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए, कुछ हाइपोथेसिस बनाए, और उन हाइपोथेसिस को हमने देखा कि वो क्या, वेदर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या उन हाइपोथेसिस को रखते हुए हमारी क्या फाइंडिंग्स आएंगी. ये क्या है इसको क्या हम कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं. इंटरप्रिटेशन के दो मेन एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट क्या है, इफेक्ट एफर्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टिन्यूटी इन रिसर्च. हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, जो हमारी पिछली जो रिसर्च हो गई है उससे एक हम कनेक्टिविटी पैदा करते हैं अपनी रिसर्च की, जो कि हमारा मेन टास्क होता है. द एफर्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टिन्यूटी इन रिसर्च थ्रू लिंकिंग द रिजल्ट ऑफ अ गिवन स्टडी विद दोज ऑफ अदर. तो दूसरों के रिजल्ट्स आए हैं, हमारे रिजल्ट्स भी उनके रिजल्ट से मैच करने चाहिए, उनके ऑपोजिट ना हो या बिल्कुल उनसे फॉर अवे अनयूजुअल ना हो, आउटलायर ना शो कर रहे हों, हमारे रिजल्ट उनसे ऑलमोस्ट मैच करने चाहिए. सेकेंड टास्क है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट्स. हम क्या करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट जो हमने एस्टेब्लिश करने होते हैं. इसको हम किस तरह कर सकते हैं, इन वन सेंस वी कैन से द इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न विद रिलेशनशिप विद इन द कलेक्टेड डेटा पार्शली ओवरलैपिंग एनालिसिस. इंटरप्रिटेशन ऑल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड डेटा ऑफ स्टडी टू इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ अदर रिसर्च थियरीज एंड अदर हाइपोथेसिस एंड प्रैक्टिस जो उनकी होती है उससे हम क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं. दस इंटरप्रिटेशन इज डिवाइस थ्रू विच द फैक्ट डेट सीम टू एक्सप्लेन वट हैज़ बिन ऑब्जर्व बाई द रिसर्चर इन कोर्स ऑफ स्टडी कैन बी बेटर अंडरस्टूड एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट विच कैन सर्व द गाइड फॉर द फ्यूचर रिसर्च. इंटरप्रिटेशन से क्या है, जब भी हमारी रिसर्च कोई अदर पर्सन स्टडी करेगा वो हमारा पूरा रिसर्च पेपर पढ़ेगा ना हमारा थीसिस पढ़ेगा, वो जो हमारा इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन है वो सिर्फ उसको पढ़कर इस चीज़ को एस्टिमेट लगाएगा कि रिसर्चर ने इस स्टडी में क्या किया है, और फर्दर उसको जो हो जो इंटरप्रिटेशन है वो ये भी इससे चेक किया जा सकता है कि वो दूसरे को स्टडी से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही. वाई नेक्स्ट है, वाई इंटरप्रिटेशन, वाई वी डू इंटरप्रिटेशन. थ्री मेन वजूहत हैं जिनकी बेस पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं. वेल अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल. इसमें हम क्या करते हैं, थ्रू दिस ही कैन एनी रिसर्चर कैन लिंक अप हिज फाइंडिंग विद दोस ऑफ द स्टडी हैविंग द सम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड देयर बाय कैन प्रेडिक्ट अबाउट द कंसंट्रेट वर्ल्ड ऑफ इवेंट. यानी कि
हम अपने उससे अपने जो थ्योरेटिकल हमने स्टडी जो थ्योरेटिकल की है चाहे हमने एक्सपेरिमेंटल की है, हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को हम उसमें वेल अंडरस्टैंड पेश करते हैं, यानी कि जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, जो भी हमारा सर्च की फाइंडिंग्स को पढ़े तो वो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, जो हमने सर्च किया उसको अंडरस्टैंड कर ले और उसे वर्ड से क्या है उसको रिलेट करे। सेकंड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट दैट कैन सर्व अ गाइड फॉर द फ्यूचर सर्च, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पेश किए हैं वो फर्दर क्वेश्चन उससे ड्राइव हो सकें ताकि फ्यूचर में रिसर्च का प्रोसेस जारी रहे। और इसमें सबसे मेन बात ये भी होती है कि एक रिसर्चर है उसकी फाइंडिंग से ही उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि जो उसने फाइंडिंग निकाली हैं क्या वो एप्लीकेबल भी हैं, क्या वो ट्रू हैं, क्या वो वर्ड से रिलेट कर रही हैं, तो यही सारी फाइंडिंग्स ही बताएंगी और वो इससे हम क्या करेंगे रिसर्च को अप्रिशिएट भी करेंगे। टेक्निक्स हमने इंटरप्रिटेशन के लिए हमने कौन कौन सी टेक्निक्स करनी है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इसके लिए क्या है हमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि हमारा बेसिकली हमारे साथ इतना कंसर्न हो कि हमारी जो हमने रिसर्च की है, जो हमने फाइंडिंग्स की हैं उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें, उनको पॉइंट आउट करें, उनको करेक्शन में हमारी हेल्प करें। तो कौन कौन सी है, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन, हम रिसर्चर को कहते हैं मस्ट गिव, हम क्या करना है उसने रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी है ऑफ द रिलेशन विच ही हैज़ फाउंड एंड ही मस्ट इंटरप्रेट द लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ द अंडरलाइंग प्रोसेस एंड मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द थ्रेड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब हमने क्या करना है एक पूरा थ्रेड हमें होना चाहिए प्रीवियस रिसर्च फिर हमारी रिसर्च और फर्दर जो फ्यूचर में रिसर्च होनी चाहिए उसमें एक पूरा क्या है कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, एक पूरी थ्रेड हो जो एक बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हो, ये ना हो कि प्रीवियस रिसर्च कुछ और हो हमारी रिसर्च कुछ और कह रही हो फ्यूचर में रिसर्च क्या है कुछ और हो जाए। फिर एक्सट्रॉनियस इन्फॉर्मेशन जो इसमें हमने कलेक्ट की है स्टडी के दौरान मस्ट बी कंसीडर वाइल इंटरप्रिटेशन, हमको उसको अंडर कंसिडरेशन लाना चाहिए, कब लाना चाहिए जब हम फाइनल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो अपने रिसर्च स्टडी की, तो हमें जो जितनी भी एक्सट्रॉनियस इन्फॉर्मेशन मिली हैं उनको भी डिस्कस करना चाहिए। फिर क्या है नेक्स्ट जो है हमारा कि जो हमने समवन हैविंग इनसाइट इन द स्टडी, जो हमने जो कंसल्ट किया है जो भी कंसल्टेंट हैं हमारे जो भी हमारे सुपरवाइज़र हैं वो क्या है इन हमारी जो रिसर्च है उसको अच्छी तरह उसको रीड आउट कर दें और वो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, जो हमारी ओमिशंस हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें जो हमने मिस्टेक्स की हैं उसको निकालने में या लॉजिकल आर्गुमेंट्स जो देने हैं दिए हैं हमने उसमें जो एरर आए हैं उनको निकालने में एक हमें पूरा स्किल्ड पर्सन या कोई प्रॉपर सुपरवाइज़र जो है वो हमें चाहिए। रिसर्चर मस्ट कंप्लीट द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन ओनली आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स affected the problem to avoid false generalization. हम किसी भी मसले को जो भी प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर जो जो फैक्टर इफेक्ट हो रहे होते हैं हमने उसको उन सारे फैक्टर्स को अपनी स्टडी में जो है टच करना है, क्योंकि ताकि जो हमारी जनरलाइजेशन है वो फॉल्स जनरलाइजेशन ना हो, जो भी हम जनरलाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू पिक्चर दे रही हो हमारे प्रॉब्लम के बारे में। फिर कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमने रिसर्च के दौरान अपने रिसर्च में इंटरप्रिटेशन के दौरान जो है हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है उनको अंडर स्टडी रखना है, उनको उन पर नज़र रखनी है कि हमने ये प्रिकॉशन है। फर्स्ट क्या है, डाटा आर अप्रोप्रिएट ट्रस्टवर्दी एंड एडिक्वेट, जो हमने डाटा लिया है जब हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं तो हम ये देखें कि वो फाइंडिंग्स पॉपुलेशन का जो हमने पॉपुलेशन जो डाटा लिया है वो पूरा एक्यूरेट डाटा है क्या, वो जो डाटा जो सैंपल हमने लिया है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि जो हमारी फाइंडिंग्स हों वो भी पूरी पॉपुलेशन को रिसर्च कर रही हैं और ट्रू फाइंडिंग्स हमने, द डाटा रिफ्लेक्ट गुड होमोजेनाइटी एंड प्रॉपर एनालिसिस हैज़ बीन डन थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड, डाटा क्या होमोजीनियस होना चाहिए
क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो MPA या उनकी किसी हाइट और वेट को डिस्कस कर रहे हो या उनकी किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो तो डेटा क्या है, होमोजीनियस होगा। जो मेरे पास सैम्पल आएगा उसमें सारे MPA के स्टूडेंट ही होंगे, उसके अलावा स्टूडेंट जो हैं उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो डेटा क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए। फिर प्रॉपर हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करें, ये ना हो कि हमें चाहिए तो कि हम मीन अर्थमेटिक मीन उसमें निकालें उस डाटा में से और हम मीडियन या मॉड के ज़रिए उसके मैं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, हमारी फाइंडिंग्स या इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। हमें प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी उस पर अप्लाई करनी है। फिर अवन जो पर्सन जो सर्चर है उसने कीप इन व्यू डैट द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी मच इंटरविन विद एनालिसिस एंड कैन नॉट बी शो सेपरेटली। यानी कि जो हमारा टास्क है ना इंटरप्रिटेशन का, वो प्रॉपरली जो है वो डिफाइन होना चाहिए उसमें। हमारे इंटरप्रिटेशन में हमने अगर किसी की फाइंडिंग किसी के बारे में कर रहे हैं उसी के बारे में हमें अपनी फाइंडिंग्स में बयान करना चाहिए, और जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उस वो कुछ और सेपरेट चीज़ें बयान ना कर रहे हैं। फिर he must never lose sight of the fact that his task is not only to make sensitive observation of relevant occurrence but also to identify and disengage the factor data initially hidden to the eye। क्या करना है हमने रिसर्च में जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसमें हमने सिर्फ वो वाली पॉइंट्स को नहीं उजागर करना जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, बल्कि हमने उसमें जो हिडन फैक्ट्स हैं जो जाहिर सी बात है एक एक्सपर्ट पर्सन ही है जो वो उन हिडन फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकता है, हमने उन हिडन फैक्ट्स को भी हाईलाइट करना है। एंड रिसर्चर मस्ट रिमेंबर दैट द आइडियली इन द कोर्स ऑफ रिसर्च स्टडी देयर शुड बी कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन इनिशियल हाइपोथेसिस। क्या किस कितने में इंटरेक्शन है, इनिशियल हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है और जो हमारा हाइपोथेसिस है उनमें रिलेशन पाया जाए, उनको आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये ना हो कि हमारा हाइपोथेसिस किसी और चीज़ के बारे में हो, हमने ऑब्जर्व कुछ और किया है और जो कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम अपनी रिसर्च में डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ और है। ये हमारी जो इससे हमारी रिसर्च क्या है, यूजलेस हो जाएगी। रिसर्च के जो ये प्रिकॉशंस हैं उनमें ये बहुत अहम है कि हमारे हाइपोथेसिस में, हमारी ऑब्जर्वेशंस में और हमारे थ्योरेटिकल जो हम कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आपस में क्या है, रिलेशन पाया जाए। इसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। इंटरप्रिटेशन कर ली, रफ स्केच बना लिए, अब हमने क्या करना है उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट फॉर्म में लाना है, ताकि वो रिपोर्ट फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं ओरली बोलकर, हम अपने किसी एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च पेपर में अपने एब्स्ट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, हम उसको कंक्लूजन्स भी डाल सकते हैं अपने थीसिस में, फाइंडिंग्स भी डाल सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं, ओरली बोल सकते हैं। तो क्या है, रिपोर्ट हमने जब इंटरप्रिटेशन कर ली तो फाइनली हम अपने रिजल्ट्स को एक रिपोर्ट फॉर्म में लाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग में डिफरेंट जो हैं हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हमने जो भी एनालिसिस किया है वो लॉजिकल होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन, फाइनल आउटलाइंस को हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट, रीराइटिंग, पॉलिशिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्लियोग्राफी, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। एंड ये फाइनल ड्राफ्ट जो है ये बिल्कुल हर तरह की जो एरर से है उससे हम क्या करते हैं इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। मुख्तलिफ स्टेप से गुजार कर उस स्टेप से बताया कि पहले हम लिखते हैं एक सिंपल रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, रफ रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, फिर उसमें से जो जो हमें मिस्टेक्स आ रही होती हैं वो देखते हैं, अपने हाइपोथेसिस देखते हैं कि वो रिलेट कर रहा है, डाटा देखते हैं रिलेट करता है, फिर एक फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, यानी कि उसको रीराइटिंग करते हैं, उसकी पॉलिशिंग करते हैं, फिर एक फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं जो कि हमारी प्रॉपर रिपोर्ट होती है जिसको हम पेश कर रहे होते हैं या जिसको हम राइट फॉर्म में कर रहे होते हैं। अब जो बिब्लियोग्राफी है बुक और पैम्फलेट के लिए डिफरेंट होती है। बुक में आप जैसे कोई बुक है
उसमें आपने किसी और बुक का रेफरेंस देना है, तो आप क्या करेंगे, नेम ऑफ ऑथर लिखेंगे, लास्ट नेम को फर्स्ट लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे उसको, टाइटल को जो हम अंडरलाइन करेंगे इटैलिक फॉर्म में ताकि वो हाईलाइट हो सके, फिर प्लेस लिखेंगे, पब्लिशर लिख कर नेम लिखेंगे और डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे और नंबर ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे कौन सा वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैगजीन और न्यूज़पेपर में आ रहा है तो क्या नेम ऑफ ऑथर के बाद जो है नेम ऑफ ऑथर लिखेंगे, उसमें हमेशा लास्ट नेम जो है फर्स्ट आता है, फिर टाइटल लिखेंगे आर्टिकल का और वो कोटेशन में होगा, नेम ऑफ जो है पीरियडिकल या उसको हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे या इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर हम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ इशू लिखेंगे और ये हमारा क्या है मैगजीन और न्यूज़पेपर में है। फिर रिसर्च रिपोर्ट की जो लेआउट है वो कैसे होगा, पहला क्या है इसका प्रिलिमिनरी पेजेस हम बताएंगे, फिर मेन टेक्स्ट होगा, फिर क्या होगा एंड मैटर होगा। इन इट्स प्रिलिमिनरी पेजेस द रिपोर्ट शुड बी कैरी अ टाइटल एंड अ डेट फॉलोड बाय द एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीफेस एंड फुटनोट या फॉरवर्ड्स हम डालते हैं, देन देयर शुड बी टेबल ऑफ कंटेंट फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ टेबल एंड इलस्ट्रेशन। ये जो स्टार्ट के बिल्कुल पेजेस हैं इसमें हमने हर जो भी हमारा है रिपोर्ट है उसमें हमने उसके फर्स्ट पेज में हमने क्या करना है, हमने पूरे जो जो है रिपोर्ट में हमने लिखी हुई है चीज़ें उनके जो मेन हेडिंग्स हैं उनको लिखेंगे, उनकी डेट लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, लिस्ट जो हम टेबल लिस्ट ऑफ टेबल देंगे जिसमें हमने आगे जो टेबल्स उसमें शो की होंगी, ग्राफ शो करेंगे, लिस्ट ऑफ ग्राफ भी देंगे, ये सब क्या है प्रिलिमिनरी पेजेस में होता है। फिर मेन टेक्स्ट आता है उसमें हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने टॉपिक के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग जो भी फाइंडिंग होगी वो लिखेंगे, फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर कहाँ कहाँ लिखेंगे द इम्प्लिकेशंस लिखेंगे के रिजल्ट्स हैं कहाँ इम्प्लाई होते हैं, उसके बाद उसकी समरी बना के लिखेंगे। ये तो थी हमारी रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद क्या है एंड मैटर, एंड मैटर में लिखेंगे एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट हमने एक अपेंडिक्स बनाना होगा जिसमें जो जो बुक्स और जो जो लिंक्स हमने स्टडी की होंगे उसके बारे में पूरी तफसील दी गई होगी। रिपोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं और कुछ हमारे पास पॉपुलर रिपोर्ट्स होती हैं। टेक्निकल रिपोर्ट्स में क्या आते हैं हमारे पास, टेक्निकल रिपोर्ट्स में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है, मेथड ऑफ मेथड एम्प्लॉयड, अजम्पशन मेड इन द कोर्स ऑफ द स्टडी, द डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग इंक्लूडिंग देयर लिमिटेशन एंड सपोर्टिंग डेटा, ये सब कुछ क्या है टेक्निकल रिपोर्ट में होता है। जनरल आउटलाइन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट क्या होगी, हमारे पास समरी ऑफ रिजल्ट होगा, नेचर ऑफ स्टडी होगा, मेथड एम्प्लॉयड होगा, डेटा है, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, टेक्निकल अपेंडिक्स जो होते हैं और लास्ट में क्या होता है इंडेक्स होता है। इन सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास होती हैं टेक्निकल रिपोर्ट में। समरी ऑफ रिजल्ट क्या होगा कि ब्रीफ रिव्यू दिया हुआ है हमने अपनी मेन फाइंडिंग का इन जस्ट टू और थ्री पेजेस में। नेचर ऑफ स्टडी में क्या बताएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव स्टडी, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द ऑपरेशनल टर्म एंड द वर्किंग हाइपोथेसिस, द टाइप ऑफ एनालिसिस एंड द डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमने क्या करना है नेचर ऑफ स्टडी में लिखना है। मेथड एम्प्लॉयड में क्या है, स्पेसिफिक मेथड्स हम यूज़ करेंगे इन स्टडी और उनकी लिमिटेशन बताएंगे, और जैसे सैम्पलिंग स्टडी में हम क्या करते हैं डिटेल देते हैं, सैम्पल डिज़ाइन बताते हैं कि पूरा कि हमने सैम्पलिंग कौन सी यूज़ की, सैम्पल कहाँ से लिया, ये सैम्पल साइज़ क्या बता दिया, सैम्पल की सिलेक्शन कैसे की वो सारा बता दिया। उसके बाद डाटा आता है नेक्स्ट में, हम क्या कहते हैं डाटा को डिस्कस करें, डिस्कस द डाटा कलेक्शन के हमने कैसा डाटा कलेक्शन किया है, रिसोर्सेज क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, डाटा प्राइमरी डाटा है, डाटा सेकेंडरी है, फिर इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है, और सर्वे कर रहे हैं तो हमें द मैनर इन विच डाटा कलेक्टेड शुड बी फुली डिस्क्राइब, सर्वे में हमें जो डाटा जिस मैनर से कलेक्ट किया है, जिस मेथड्स यूज़ किए हैं उसको हमने फुली डिस्क्राइब करना है। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग होती है, डाटा का हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और जो जो फाइंडिंग्स आती हैं उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो जो हमारी फाइंडिंग्स आए थे, डिटेल समरी ऑफ फाइंडिंग एंड द पॉलिसी एम्प्लीकेशन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट बी एक्सप्लेन। लास्ट फिर क्या है, बिब्लियोग्राफी है,
उसके बाद टेक्निकल अपेंडाइसिस हैं, जो अपेंडाइसिस में क्या होता है, टेक्निकल मैटर रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो हम दे देते हैं, उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन जो होती हैं जो कि हमने अपने फाइंडिंग में की होती हैं वो लास्ट में हम दे देते हैं। सबसे एंड में क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी गिवन इन वेरिएबिलिटी इन द रिपोर्ट ऑफ द एंड। एंड की रिपोर्ट में हम क्या कहते हैं, एक इंडेक्स देते हैं। ये तो थी टेक्निकल रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट में भी क्या होता है, फाइंडिंग्स पहले हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग्स एंड देयर एप्लीकेशंस, रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, मेथड एम्प्लॉयड, रिजल्ट, टेक्निकल अपेंडिसेस जो हैं हमारे पास क्या होते हैं पॉपुलर रिपोर्ट में। ये सारे मेन मेथड क्या हैं, रिपोर्ट राइटिंग के। अब रिपोर्ट राइटिंग को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, ओरली भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं और मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट के उसमें फॉर्म में भी हम इसको पेश कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने रिपोर्ट राइटिंग और जो हमारा टेक्निकल इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी हमने, उसमें टेक्निकल भी पढ़ी और जनरल रिपोर्ट राइटिंग भी पढ़ी। इंशाल्लाह वैसे आपका सिलेबस यहाँ से एंड हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको एक कंप्यूटर पे हम कैसे SPSS को यूज़ करके अपना ये सारा डाटा जो है एनालिसिस कर सकते हैं, उसके भी हम लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।